ना मैच के संबंधी अलग अलग बच्चे देख रहे थे आपो अपने, तो वो दो ग्रुपां दा आपस बहस हो गई। ये अलग अलग क्लास के स्टूडेंट है, कुछ कश्मीर के बच्चे हैं, कुछ इधर बिहार साइड के। गर्मी सी उदो दोनों धिर एक दूजे के खिलाफ बहस बसैया करते, उन्होंने पाती वीडियो हूँ बिचों कुछ ने की शरारत की है उस बारे क्लीयर नहीं। टी20 के मैचों का कई जगह उत्साह वेखन मिलिया, पर संगरूर के भाई गुरदास कॉलेज में क्रिकेट के मैच तो बाद विद्यार्थी आपस च भिड़ गए। दरअसल ये मैच भारत ते पाकिस्तान दे विचकार सी, पाकिस्तान दी टीम दी जीत हुई, जिस तो बाद विद्यार्थी आपस च नारेबाजी करन लगे अते एक दूजे दी कुटमार करनी शुरू कर दित्ती, जिस दी वीडियो भी सामने आई, जिस च विद्यार्थी होस्टल च आपस च कुटमार करदे हुए नजर आए। हालांकि सुरक्षा कर्मियां ने उन्हां नूं रोकिया। कॉलेज दे डायरैक्टर ने दस्या कि विद्यार्थी मैच देख रहे सन, जदों पाकिस्तान दी टीम जीती तां मुसलमान विद्यार्थियों ने जिंदाबाद की नारेबाजी की, जिससे दूसरे विद्यार्थी पड़क गए तो आपस च भिड़ गए। कॉलेज प्रशासन ने मौके पर पहुँच के विद्यार्थियों को शांत करवाया और पुलिस को भी सूचित किया। क्या नाम है आपका? जी मैं डॉक्टर तनुजा श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैडम क्या मसला हुआ था बताओ? एक्चुअली कल क्रिकेट मैच के बाद में हमारे जो दो ग्रुप के बच्चे हैं उनके बीच में कुछ नारेबाजी हो गई और कहा सुनी हो गई। पहले ये लोग लैपटॉप में बैठ करके अपना क्रिकेट मैच देख रहे थे, मैच के बाद में नारेबाजी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप ने सुनी, वो आवेश में आ गए। आवेश में आने पर उन्होंने रूम में आपस में लड़ने लगे, फिर रूम के बाद में ये हॉस्टल के बाहर पर आ गए और वहाँ पर इनके बच्चे सारे दोनों ग्रुप के बच्चे इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाइयाँ करने लगे। मौके पर हमारे बॉयज़ हॉस्टल वार्डन, फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंपस है, सब लोग मौजूद थे। उन्होंने बच्चों को समझाया और कहा कि इस मसले पर आप लोगों को आपस में लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा एक्साइटेड थे, उस बात को नहीं समझे। उनके बीच में कहा सुनी झड़प करीब आधे घंटे तक चलती रही और नारेबाजी करते रहे। फिर फैकल्टी के समझाने के बाद आधे घंटे पौन घंटे के बाद में ये अपने शांतिपूर्वक अपने रूम्स में चले गए। हमने पुलिस को सूचना इसके बारे में दे दी थी, तो पुलिस ने भी तफ्तीश करी, बच्चों से भी बात करी सुबह के टाइम पर आकर के, तो बच्चे अब थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवेश में आकर के हमने ये सब किया और हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो शांतिपूर्वक अपनी क्लासेस में चले गए हैं और किसी के भी हताहत होने के या इंजर्ड होने की एक भी स्टूडेंट की हमारे पास में खबर नहीं है। सारे बच्चे सेफ हैं, सेटिस्फाइड हैं और सुरक्षित हैं। कैसी नारेबाजी हो रही थी, कैसी ये बच्चे, क्योंकि ये बच्चे हैं इनको थोड़ा समझ में कम होती है, तो ये मैच के बाद में जो जो कंट्री जीता था उसकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई एफआईआर कुछ? नहीं नहीं, कोई भी एफआईआर नहीं है, पुलिस अपने बारे में तफ्तीश कर रही है। तो जब बच्चों ने अपने आप में ही कह दिया कि कॉलेज मैनेजमेंट इवन हमारे पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है या लेगी, तो भी हम उसको बियर करेंगे, क्योंकि वो बीइंग ए स्टूडेंट उनकी एक ये मॉरल ड्यूटी होती है कि कैंपस में और अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेनली डिसिप्लिन को मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन देयर पार्ट। कौन से बच्चे थे? मेनली ये कश्मीर स्टेट के बच्चे थे, यूपी के थे एंड बिहार के बच्चे थे। कश्मीर वाले बच्चों की ओर से जो हाँ कश्मीर के बच्चों से करीब 50 बच्चे थे, कश्मीर के बच्चों की तरफ से पहले नारेबाजी करी, जिससे कि दूसरा ग्रुप के जो बच्चे थे वो उन्होंने अपोज किया और उन्होंने मना किया। फिर ये बच्चे ही हैं, आपस में कहा सुनी बढ़ती गई और वो फिर झगड़ा बढ़ गया। लेकिन इस वक्त कैंपस में मामला पूरी तरह से शांत है, बच्चे अपनी क्लासेस में शांतिपूर्वक हैं, टीचर्स अपनी क्लासेस रूटीन वाइज ले रहे हैं। किस तरह के नारे लगा रहे थे? ये पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान एंड दूसरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ठीक। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों धिरां दी सहमति ते कॉलेज प्रशासन वालों ही कार्रवाई की जाएगी। सुनो होर की कहा। थोड़ा बहुत हंगामा होया कि सर मामला की जांच करिए, हुण की स्थिति? ये ना मैच के संबंधी अलग अलग बच्चे देख रहे थे आपो अपने, तो वो दो ग्रुपां दा आपस बहस हो गई मैच के जो फाइनल डिसीजन होया, तो उन्होंने बहस हुई थी, उन्होंने दोनों धिर ने सुन लिया, उन्होंने आपस मैटर सॉर्ट आउट हो गया। किसी तरह की एक दूजे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, वो सिर्फ मैच के जोश के एक दूजे। कौन बच्चे थे सर, किस तरह के पढ़ते हैं बच्चे? ये अलग अलग क्लास के स्टूडेंट है, कुछ कश्मीर के बच्चे हैं, कुछ इधर बिहार साइड के, अलग अलग थावान के। उन्होंने आपस थोड़ा जहा बहस हो गई सी, लेकिन हुण दोनों धिर आपस से निबड़ चुका। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ
गर्मी सी उदो दो धिर एक दूजे के खिलाफ बहस बसैया करते उन्होंने पाती वीडियो हूँ बिचों कुछ ने की शरारत की है वो बारे क्लीयर नहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसी तरह की नहीं कोई ऐसी गलबात नहीं है सर ये गल कि सच्चाई है सर कह जा रहा भी जो जो कश्मीर वाले स्टूडेंट जाते वालों मैच तो बाद भारत पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कोई यहोजी गल नहीं हुई थी नहीं सिर्फ मैच के दौरान वो आपस दोवां दी जोश के एक दूजे नाल टीम के सपोर्टर सीगे उहदे ते बहस हुई है अदरवाइज यहोजी होर कोई गल नहीं हुई मेडिकल दिता असि सारिया नूं पुछ लिया कले कले नूं ठीक है कोई भी किस तरह की कोई कारवाई नहीं करवानी चाहता ना किसी ने यह गल की है हाँ जी उन्होंने बयान सानूं कराते दर्ज बाकी मैनेजमेंट आपका देख रही है जिहड़ा कोई उन्हां दा मिसकंडक्ट किसी का होया होगा कोई डिसिप्लिन भंग किया होस्टल का उहदे बारे मैनेजमेंट अपना जो कोई एक्शन लेना चाहे ले लो कॉलेज पढ़ रहे विद्यार्थी जिते मैच देखने दौरान आपस च लड़ रहे सी उत्थे ही भारत की टीम ने पाकिस्तान टीम नू वधाई दी ते खेड दे मैदान चो एक दूजे की टीम की मजबूती नू सलाम करते हुए बाहर चले गए संगरूर तो पत्रकार राजेश कोहली की रिपोर्ट Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना करो।